आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्या बेस जब भी बनाते हैं तो उसे आप एकदम एग्जैक्ट कैसे क्लीन करेंगे, उसके एजेस कैसे शार्प बनेंगे। तो आज मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। हाफ़ के जी, वन पाव और वन के जी केक अगर आप बना रहे हैं तो आप कैसे उसे एकदम उसके एजेस को कैसे एकदम शार्प रखेंगे, ये पूरा तरीका आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। मैं पहले भी बहुत सारे ऐसे वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए और ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने, तो ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए और आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये देखिए, मैंने लिया है एक पाव का ये बेस और मैंने इसे अच्छे से अंदर की जो फीलिंग थी उसकी आइसिंग मैंने कर ली है। तो इसे क्रम कोटिंग करके और मैंने रख दिया था फ्रिज में 5 मिनट के लिए ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और मैंने अपने सारे वीडियो में लगभग बताया है कि क्रम कोटिंग कैसे करनी है। तो आपको एक पतली सी लेयर क्रीम की लगा लेनी है और उसे रख देनी है फ्रिज में। तो जो पतली सी लेयर लगाते हैं उसे हम क्रम कोटिंग कहते हैं और वो लेयर इसलिए लगाते हैं ताकि जो भी हम केक कट करने के बाद जो हल्के हल्के से छोटे छोटे टुकड़े होते हैं केक के कट करने के बाद जो निकलते हैं वो क्रीम के साथ ही मिक्स होकर चिपक जाते हैं केक में ही, और उसके बाद हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो अच्छे से सेट हो जाती है। इसे कहते हैं हम क्रम कोटिंग। तो अभी हम इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा क्रीम लेकर और उसे अच्छे से पूरे केक को कवर करेंगे और जिधर लगे कि दिख रही है क्रीम उधर हम अच्छे से उसे क्रीम से कवर करेंगे। तो ये देखिए, हमने ऊपर एक साथ ही क्रीम रख लिया है और इसे हम अच्छे से फैलाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आएंगे। तो ये देखिए, हम जैसे जैसे ऊपर को फैला रहे हैं वो सारी क्रीम नीचे आपको दिख रही होगी आ रही है। तो पहले हम ऐसे ही करने वाले हैं, उसके बाद हम वो सारा क्रीम केक के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए, जैसे मैं आप दिखा रही हूँ ना वैसे कीजिए, आपके सारे केक में अच्छी फिनिशिंग आएगी। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि वीडियो लंबी हो रही है। अगर वीडियो लंबी है तो आपकी ये बहुत ही काम आने वाली है। आपके हर केक के आइसिंग में सबसे मेन पार्ट जो होता है वो यही होता है कि आप अपने केक को फिनिश कैसे करेंगे, फिनिशिंग कैसे देंगे और आपके जो केक के शार्प एजेस को कैसे एकदम परफेक्ट बनाएंगे, कैसे एकदम क्लीन बनाएंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर वीडियो पसंद आया ना तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए आने वाली है। तो ये देखिए, मैंने लिया है एक स्क्रैपर लिया है और उसी स्क्रैपर से मैं अच्छे से इसे क्लीन कर दूंगी। और आप घर पर DIY टूल्स कैसे बना सकते हैं इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है कि अगर आपके पास ऐसे टूल्स नहीं है तो आप घर पे उसे कैसे बनाएंगे ज़ीरो कॉस्ट में, तो वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ये देखिए, उसी से मैं ऊपर का हिस्सा भी क्लीन कर रही हूँ उसी स्क्रैपर से, क्योंकि अगर आप चाहें तो पहले टाइप से कर सकते हैं पर स्क्रैपर से भी करके देखिए, अगर छोटा केक है तो बहुत बढ़िया से उससे हो जाता है। ये देखिए, मैं इसे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। आपको ध्यान देना है कि जो ऊपर की शार्प एज है ना उसे आपको क्लीन करने के लिए क्या करना है। तो ये देखिए, थोड़ी सी साइड में दिख रही थी केक का बेस, तो मैं वापस से इसमें क्रीम लगा लेती हूँ और वापस से इसे मैं क्लीन करूँगी। तो मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ कि आपको जो ऊपर की जो लाइन है ना उसे एकदम परफेक्ट कैसे दिखानी है। तो आपको थोड़ी बहुत क्रीम का यूज़ करना होगा और आपको उस ऊपर की साइड में थोड़ी सी क्रीम लगा के और फिर आपको क्लीन करना होगा। तो ये देखिए, मैंने क्रीम लगा ली है और स्क्रैपर से अच्छे से स्क्रैप कर रही हूँ। तो ऊपर का हिस्सा आपका बिल्कुल बढ़िया से एकदम क्लीन हो जाएगा। ये देखिए, कुछ करना नहीं पड़ा और कैसे आपको शार्प दिख रहा होगा। तो आप ऐसे ही धीरे धीरे करके उसे क्लीन करिए, देखिए मैं कैसे दिखा रही हूँ आपको। आप ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे ना तो आपकी केक भी एकदम क्लीन बनेगी। ऊपर का जो सरफेस है या नीचे का सब कुछ क्लीन बनेगा। और एक और तरीका बताऊँगी जो बिगनर्स हैं उनके लिए कि अगर वो ऊपर का सरफेस क्लीन नहीं कर पाते हैं तो क्या करेंगे, तो मैं वो तरीका भी आपको दिखा देती हूँ। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप क्लीन करते हैं अपने स्क्रैपर से तो हर बार आपको स्क्रैपर को साफ़ करना ज़रूरी है, तभी आपके केक में फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए, मैंने दूसरा कॉम्ब लिया है, ये आपको इजीली मार्केट में 10 रुपये में मिल जाता है और इसे साइड में अच्छे से कर लेना है। तो देखिए, ऊपर का जो मैंने बताया था ना सरफेस क्लीन नहीं होता है जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए, तो ये देखिए आप ऐसे कर दीजिए उसी स्क्रैपर से जिससे हमने नीचे डिज़ाइन बनाई थी, तो एकदम बढ़िया से क्लीन हो जाएगी। तो देखिए आपके साइड का कितना बढ़िया से क्लीन दिख रहा है। और ऊपर अगर आप डिज़ाइन बनाते हैं तो फिर टेंशन नहीं है कि ऊपर आपने क्लीन किया है या नहीं, फिर भी कोशिश करिए कि क्लीन बने। तो ये देखिए, मैंने इसकी भी क्रम कोटिंग कर ली है
और अब मैं इसकी फ़ाइनल लेयर की आइसिंग करूँगी। तो ऊपर का देखिए क्रम कोटिंग किया है, लेकिन ऊपर का ये जो है ना जो थोड़ा बहुत क्रीम बाहर है उसे मैं अच्छे से पहले हटा देती हूँ, निकाल देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे निकाल दिया, क्रीम से अच्छे से इसे सेट कर दिया। अब मैं इसके ऊपर भी क्रीम लगा के और अच्छे से फैलाऊँगी, जैसे मैंने पहले केक में दिखाया था बिल्कुल वैसे ही। तो ये देखिए आप चाहें तो ऐसा, अगर ATM कार्ड है या फिर ताश के पत्ते हैं उससे भी आप इसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो ये जो कार्ड का यूज़ कर रही हूँ मैं, वो कार्ड ख़राब हो गई है, एक्सपायर हो गया, इस वजह से मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम ये यूज़ करने के लिए कार्ड में कितने पैसे होने चाहिए। बहुत वो लोग मजाक भी करते हैं, पर वो कार्ड ख़राब है इसलिए मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए जहाँ जहाँ बेस दिख रही है मैं वापस से इसमें क्रीम लगा लेती हूँ, और वापस जो दूसरा स्क्रैपर है बड़ा वाला उससे मैं अच्छे से कर लेती हूँ क्रीम। और ये हाफ़ केजी का बना रही हूँ मैं बेस, जो भी आइसिंग कर रही हूँ ये, तो इसके लिए आपको एक कप क्रीम लग जाएगा, हाफ़ कप में आपको एक कप क्रीम लग जाएगा। अगर थोड़ा सा कम हुआ तो 1/4 कप और ले लीजिए। तो एक कप और 1/4 कप में एकदम फुल अच्छी डिज़ाइन के साथ आइसिंग कर सकते हैं आप हाफ़ केजी की। और अगर 1 kg बना रहे हैं तो आपको 2 कप, और अगर पूरा ऊपर से फ्लावर की डेकोरेशन करते हैं आपको कम से कम 2 से 2.5 कप लग जाएंगे क्रीम। और ये देखिए मैं इसे भी उसी डिज़ाइन से जैसे मैंने पहला दिखाया है सेम वैसे ही मैं इसे बनाकर रेडी कर रही हूँ। और ये डिज़ाइन इसलिए आपको रिपीट कर रही हूँ ताकि आप अगर 2-3 बार इसे देख लेते हैं तो थोड़े से आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि आपको कैसे करनी है। तो जब भी आप अगली बार केक बनाएंगे तो आपकी आइसिंग के टाइम में ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। आपको अगर ध्यान रहेगा तो आपको ये बहुत ही हेल्प मिलेगी। ये सारे देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गई है ये। अगर आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं ऐसी लेस तो आपको मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाता है लेस। तो ये देखिए कितने अच्छा लग रहा है ये। और इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ ये डार्क पिंक कलर का रिबन, ये भी मार्केट में आपको ईजिली मिल जाता है, बहुत सारे क्राफ्ट में भी यूज़ होता है ये। और इसे देखिए इसे ही मैंने लगा दिया। इसको लगाने के लिए किसी गोंद वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसे अप्लाई कर दीजिए क्रीम के साथ, वो चिपक जाती है। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है आपका ये केक। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और जब भी आप केक बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है सारे टिप्स। और ये देखिए फ्रेंड्स आपको व्हिप क्रीम घर पर कैसे बनाना है इसका पूरा वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा कि कैसे आप परफेक्ट व्हिप क्रीम बनाकर रेडी कर सकते हैं, वो भी घंटों मेल्ट नहीं होगी। तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप चेक कर लीजिए। और आप नॉर्मल टेम्परेचर में भी अगर आप अपनी क्रीम को रखते हैं तो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी। मैंने बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताया है, सिंपल सा ट्रिक बताया है, और आपको कुछ इसमें ऐड नहीं करना है। सिर्फ व्हिप क्रीम से ही आप परफेक्ट व्हिप क्रीम कैसे बनाएंगे, ना कोई इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे वीडियो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि ये डालिए वो डालिए तो आपकी क्रीम मेल्ट नहीं होगी, तो गाइज इसमें कुछ नहीं डालना है और आपकी क्रीम घंटों मेल्ट नहीं होगी। और आप कुछ भी कोई भी उस पर फ्लावर डेकोरेशन कर लीजिए, कोई भी डिज़ाइन बनाइए, आपकी क्रीम बहुत देर तक मेल्ट नहीं होगी। और ये देखिए मैंने बनाई हुई है, आप घंटों बाहर भी रखते हैं ना, कहीं आपको दूर भी लेकर जाना है ना, तो भी आपकी क्रीम ख़राब नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।